हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने नए चैप्टर प्रोनाउन के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ लिया कि नाउन कैसे, कहाँ, कब यूज़ किया जाता है, अब हम लोग ये देखेंगे कि नाउन के साथ में जो और सेंटेंस में पार्ट्स होते हैं उनमें से एक प्रोनाउन का भी होता है, तो उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो यूजेस देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं कि राम इज अ बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे राम 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 कितनी बार यूज हो रहा है, राम राम एंड राम। तो हम सब जानते हैं और आज तक हम लोग ये पढ़ते भी आ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, सबको पता है कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होता है, ठीक। तो हम लोग आज एक बात नहीं जानते हैं कि जैसे कि ये राम 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 यूज हो रहा है, तो राम को बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं एक सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर लूं ही राम की जगह। राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये सब क्या हो गया, ये सब है नाउन, ठीक। और जैसे ही मैंने इस राम की जगह पे यूज किया ही वर्ड, तो ये ही क्या हो गया, ये ही हो गया प्रोनाउन, ये ही हो गया प्रोनाउन, ये ही हो गया हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के ऐसे वर्ड्स, ऐसे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं नाउन की जगह पर, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ जिससे आपको प्रोनाउन के बारे में और थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहला सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, द बॉय डिड द वर्क। तो यहाँ पर क्या है, द बॉय हमारा नाउन है और वर्क हमारा नाउन है। अब आप बोलोगे वर्क नाउन कैसे है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि दे डिड द वर्क, तो जब कभी भी देखिए वर्क, आप लोग सोचते हैं कि वर्क काम करना है, ये वर्ब है, हाँ ये वर्ब है, लेकिन जब कभी भी वर्ब के पहले आर्टिकल आ गया तो ये वर्ब नहीं है, ये नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। दे भी हमारा क्या है, नाउन है। अभी क्या देखेंगे, देखिए अगर मैं लिखूं दे वर्क, वो काम करते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि वर्क हमारा वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर आप वर्ब के पहले दी का यूज करते हैं तो ये जो दी है ये वर्क वर्क को नहीं रहने देगा, ये नाउन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही राम हमारा नाउन एंड वर्क हमारा नाउन। अब हम वर्क की जगह यहाँ पे इट का भी यूज कर सकते थे, इट प्लूरल है। They did it, the boy did it, Ram was doing it, ठीक। Lion, अब lion की जगह हमारा lion noun है, हमें इसको pronoun में use करना होगा, तो हम क्या use करेंगे, देखिए the lion को pronoun में हम use करते हैं it। अब आप बोलेंगे it तो non living के लिए आता है, तो it देखिए दो cases में आता है, non living के लिए आता है, साथ में ये animals के लिए भी use किया जाता है। और देखिए एडोलसेंस मतलब जो 14 ईयर से नीचे होते हैं, तो 14 ईयर तक के जो बेबीज होते हैं उनके लिए भी इट का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे लायन को क्या कर सकते हैं, इट फॉट ब्रेवली। अगर मैं यहाँ पे लिख देती द लायंस, अगर इसको प्लूरल बना देती तब आप यहाँ पे फिर इट का यूज नहीं करते, अगर लायंस लिखा होता तो फिर आप इसके साथ दे का यूज करते, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द बेबी क्राइड, बेबी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, इट, अभी मैंने बताया 14 ईयर्स से नीचे बेबी के लिए। द चाइल्ड, इट,
द टीचर वॉज टीचिंग, यहाँ नाउन क्या है हमारा? टीचर. इसकी जगह पे हमें प्रोनाउन यूज करना होगा, तो हम ही का भी यूज कर सकते हैं और शी का भी, क्योंकि यहाँ पे हमें जो जेंडर है फेमिनिन है मस्कुलिन है न्यूटर है क्लियर नहीं हो रहा है. तो ये मैंने आपको दिखाया कि हमें नाउन को मतलब किस तरीके के हम यूज करते हैं प्रोनाउन्स. अब मैं आपसे बात करूंगी कि प्रोनाउन आखिर होते क्या क्या हैं. देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ चार्ट जानना होगा, जिसके लिए मैं हमारी रूल्स पर आती हूँ, वहां से आपको दिखाती हूँ. देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, द प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पे यूज होता है. इट इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन. जैसे मैंने राम 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 बहुत बार यूज किया था, तो अब राम राम का रिपीटेशन मतलब किसी भी नाउन का की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिस भी आप पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. जैसे आकाश इज अ गुड बॉय एंड He always stand first in the class. तो यहाँ he क्या है, ये he है हमारा pronoun, जो कि use किसके लिए किया गया है, for Ram. ठीक, आगे देखिए. अब देखिए noun, kinds of noun, noun होते कितने प्रकार के हैं. अब noun के प्रकार को जानने के लिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक trick. देखिए kinds ऑफ प्रोनाउन, आप एक कोड वर्ड याद रखेंगे, वो है राम प्रसाद डाई. ये किसी पर्सनली के लिए मैं नहीं बोल रही हूं कि आप लोग इसको बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लीजिएगा, ठीक है. ये एक ट्रिक है प्रोनाउन के काइंड्स को याद रखने के लिए, राम प्रसाद डाई. अब देखिए, अब आप आर के ऊपर थ्री ले लीजिए, पी को आप वन और टू, कहीं कहीं वन माना गया है कहीं टू माना गया है, और बाकी सबके साथ आप टू टू कंसिडर करेंगे. अब आपको दिखाती हूं मैं कि क्या क्या इनसे बन जाते हैं. देखिए आर से बनता है पहला हमारा जो है वो बनता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बिट, रेसिप्रोकल. ठीक, सेकेंड हमारा बनता है रिफ्लेक्सिव, एंड थर्ड हमारा बनता है रिलेटिव. ओके, पी से हमारा बनता है पर्सनल एंड पोजेसिव. ठीक, डी से हमारा बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव. फॉर आई इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड आई से इनडेफिनिट, इनडेफिनिट. ओके, ई फॉर इम्फैटिक एंड एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेट्री. तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन, जिसकी जो ट्रिक मैंने आपको बताई दैट इज आर टी डाई, राम प्रसाद डाई. आपको जो पसंद ना हो आप उसके आर पी की जगह कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. तो आर से हमारे तीन नाउन बनते हैं, कौन कौन से, रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव रिलेटिव. फोर्थ इज पी से पर्सनल एंड पोजेसिव, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव दैट इज सिक्स्थ एंड सेवेंथ, आई फॉर इंटेरोगेटिव इनडेफिनिट एट एंड नाइन, इम्फेटिक फॉर ई एंड एक्सक्लामेटरी टेंथ एंड इलेवेंथ. तो ये हमारे पूरे काइंड्स ऑफ नाउन है, जो बहुत इतने सारे नाम आज तक याद करने में बहुत आप लोग को तकलीफ होती थी, इस वजह से मैंने इसकी ट्रिक बना दी. आप लोग बहुत ही ईजली सारे नेम्स को लर्न कर सकते हैं. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. सी, ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. अब देखिए आप लोग यहाँ पे पर्सनल नाम देखकर बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ भी व्यक्तिगत टाइप का होगा. नहीं, पर्सनल नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ पर्सन्स. जैसे मैंने आपको नाउन में बताया था, टेंस में भी आपको बताया कि इन इंग्लिश वी हैव थ्री पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है,
सेकेंड पर्सन जो लिसनर होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो हमारी बात को सुन रहा है, एंड थर्ड पर्सन इज जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए, पर्सन इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन। सबसे पहले आपको ये चार्ट समझना होगा। ये चार्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन आई, जो कि सिंगुलर, और कहीं कहीं पे ये प्लूरल भी दिखाया गया है, वी इज प्लूरल। ठीक, सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई टोल्ड यू, तो यहां क्या है, यू एज ऑब्जेक्ट यूज किया गया। अब अगर मैं बोलूं यू टोल्ड मी, तो यहां पे यू सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। आप देख सकती हैं कि ये जो केसेस यहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का मतलब है कि वो वर्ड्स जो आपके एज सब्जेक्ट यूज होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया। थर्ड पर्सन ही शी इट दे, हिम ही के लिए, हर शी के लिए, इट के लिए, एंड दे के लिए देम। देखिए, अभी थर्ड केस भी हमारा होता है जो यहाँ नहीं लिखा है। मैं आपको पीछे पूरा एक चार्ट बना के फटाफट से दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे अगर मैं ये, मैंने आपके लिए एक बॉक्स ले लिया। ठीक, अब आप देखिए, जैसे यहां मैंने ये हमारा है, यहां पे मैंने लिख दिए पर्सन, दैट इज पर्सन वन टू एंड थ्री। ठीक, यहां पे मैं लिख देती हूं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। यहां पे मैं लिख देती हूं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और ये हमारा हो जाता है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है जिस पे हमारा अधिकार होता है, मतलब जिस पे हमारा पजेशन है, जिस चीज को हम ओन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूं अगर फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन आप सब देख करके आए कि फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी। आई सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, वी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। सेकेंड पर्सन यू, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा यू होता है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। तो ही इज सिंगुलर, शी इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल समटाइम्स, एंड दे इज प्लूरल। सी, अब क्या है, ही के लिए हम यूज करते हैं हिम, शी के लिए हम यूज करते हैं हर, इट के लिए हम यूज करते हैं इट, और दे के लिए यूज करते हैं देम। ये बात हमने कर ली किसकी, ऑब्जेक्टिव केस की। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पजेसिव केस में। देखिए, आई के लिए माई यूज होता है, किसी भी चीज पे आप पजेशन दिखा रहे हैं, या फिर माइन आपने देखा होगा। वी के लिए यूज होता है आर या फिर आर्स। यू के लिए यूज होता है योर्स। ही हिम एंड हिज। हर के लिए यूज होता है हर एंड हर्स। इट के लिए यूज होता है इट्स, और देम के लिए यूज होता है देयर या फिर देयर्स। तो ये आपका चार्ट है हमारा पूरा पर्सनल प्रोनाउन के लिए। देखिए, अब मैं आपको इसमें इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ, पर्सनल प्रोनाउन। देखो, जैसे हमने यहाँ पे हमने बनाया हुआ है आई मी माई। देखिए, अगर एक सेंटेंस हम लोग लें, एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि दिस इज माय बुक। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने पजेसिव केस लिखा हुआ है, और ये हमारा आता है नाउन।
तो यहां से हमें ये बात पता चलती है कि जितने भी पजेसिव प्रोनाउन हमारे इधर लिखे हुए हैं, ये इन सारे पजेसिव प्रोनाउन के बाद नीड होती है नाउन की, फॉलोड बाय नाउन। दिस इज माई बुक। तो माई क्या है? ये नाउन के पहले आया जो कि नाउन की क्वालिटी बता रहा है। दैट इज वाई हम इन पजेसिव प्रोनाउन्स को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। योर एंड यहां पे आप करेंगे योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये हमारे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अब जैसे मैंने नीचे सेंटेंस लिखा हुआ था कि दिस इज माई बुक, तो ये हमने देख लिया कि ये है दिस इज माई बुक, ये नाउन है, इसके पहले आया पजेसिव प्रोनाउन। तो जो भी पजेसिव प्रोनाउन को नाउन की नीड होती है वो कहलाते हैं क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। या हम इसको कह सकते थे दिस इज माइन, तो ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। बट अगर मैं कह दूं दिस इज माई बुक, तो अगर पजेसिव प्रोनाउन के बाद आप लेकर के आ रहे हो नाउन, तो उसके पहले आने वाला प्रोनाउन हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये बुक की क्वालिटी बता रहा है, ये बुक को रिफर कर रहा है कि वो माई बुक है। ठीक, अब देखिए ये आप लोग चेक कर लीजिए, देख लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन भी देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम लोग वापस आते हैं हमारे रूल्स की तरफ। ये वही केस है, बस यहाँ पर पजेसिव केस का मिसिंग था जो मैंने पीछे ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। देखिए पजेसिव प्रोनाउन इट इज यूज्ड टू शो पजेशन, मतलब कि आपका ओनरशिप। जैसे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउन्स, व्हाइल माई, are, your, his, her and there are possessive adjective। जो मैंने इधर साइड लिखे थे वो सारे थे हमारे possessive adjective, और जो सब इधर सारे लिखे हुए थे वो थे हमारे possessive pronouns। This is my book। Book is noun। इसके पहले आ रहा है my, तो ये possessive adjective है। सी पजेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज माइन, तो यहाँ इसके बाद कोई नाउन आ रहा है? नहीं। तो ये क्या है? ये है पजेसिव प्रोनाउन। आगे देखिए, अब है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द वर्ड यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए वो कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेशन। सच, दिस, जैसे दिस, that, these, those, etc. Example देखिए, that was a book given to me by my father. That was, ये book को indicate कर रहा है कि that book was mine, anything, जो भी sentence में लिखा हुआ है। तो ये होते हैं हमारे demonstrative pronoun। Question बहुत रेयर केसेस में आएगा कि सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करने को दिया जाएगा कि यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द प्रोनाउन इन फोर ऑप्शंस, बट क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली एरर में आएगा। जैसे मैंने पर्सनल प्रोनाउन का आपको बताया कि अगर कोई भी पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन दिया हुआ है तो उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं वो हमारे चार्ट में जो मैंने दिखाया आपको वो वाले थे। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो वो फिर वो पजेसिव प्रोनाउन होगा, और पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से थे वो चार्ट में दिखाया हुआ था, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, डेफिनेशन एंड ऑल ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप रूल्स तभी पढ़ पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब आपको क्लासिफिकेशन पता होगा बिटवीन योर 10 और 11 जितने भी प्रोनाउन दिए हुए हैं उन सबके बीच में। ठीक है, तो फोकस आप सारी चीज़ों पे करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव को ही ध्यान में रखकर के पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब है आगे हमारा रिफ्लेक्सिव। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में बहुत डाउट होता है। दोनों का ही मतलब होता है जोर देना, एम्फेसाइजिंग करना किसी भी चीज को। मैं अभी बताती हूँ, देखिए इट इज ऑल्सो
ऑल्सो कॉल्ड एन इम्फेटिक प्रोनाउन, इसको इम्फेटिक भी बोला जाता है, एंड इट इज यूज फॉर लाइंग स्ट्रेस और इम्फेसाइज सच एज माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, मतलब योर का प्लूरल योर सेल्फ एंड योर्स का प्लूरल योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ, वन सेल्फ। अब देखो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, He has done this work himself. तो ये आप जान गए कि ये होते हैं हमारे reflexive pronoun. ये होते हैं हमारे reflexive pronoun. अब मैं आपको बता दे रही हूं जिसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर इसे सेंटेंस में लिखा होता himself has done this work, तो उसने खुद से ये काम किया, इस पे जोर डाला गया, इसलिए ये हो गया emphatic pronoun। जैसे अगर मैं एक और example आपको देना चाहूं तो मैं यहां दे सकती हूं कि he introduced himself to manager। तो यहां पे himself क्या हो गया, ये हो गया हमारा reflexive pronoun। और अगर मैं लिख देती कि he himself introduced to the manager, तो ये himself कैसा हो गया, ये हो गया emphatic pronoun। ठीक, तो अब से आपको reflexive और emphatic के बीच में बिल्कुल भी confused होने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको जो भी reflexive pronoun himself, ourself, yourself, oneself जितने भी सारे हैं वो जस्ट आपके सब्जेक्ट के बाद दिखते हैं, दैट मीन कि सब्जेक्ट पे इम्फेसाइज किया जा रहा है, दैट रिफर टू इम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर आपको वो सब्जेक्ट के बाद ना दिख करके सेंटेंस में कहीं भी और दिखते हैं, दैट इज मीन कि वो है हमारा रिफ्लेक्सिव। बस इतना सा ध्यान में आपको रखनी है चीज़ें, और कुछ नहीं। तो आप लोग नाउन के काइंड्स लर्न कर लीजिएगा, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया, वो टेबल पर्सनल प्रोनाउन की बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो आप भूलते हैं तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आएगा, टेंस में, मतलब बहुत सारी जगह पे वो आपको यूजफुल रहेगा। तो वो आपको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप लोग स्टडी करिएगा और जो डाउट होते हैं आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।